अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज़ मोहम्मद आदिल शरीफ। होप सो तमाम भी बस खैर ऑफियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, फाइनली आज की जो बैन सूबाई वज़ाराए तालीम कॉन्फ्रेंस थी उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके जो फाइनल डिसीजन से वो आ चुके हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि मुल्क भर के कौन कौन से अज़ला के अंदर तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है और कौन से अज़ला हैं जिनके अंदर तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। तो यहाँ पर वीडियो की जाने पड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करने के बाद आल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर जाने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सकें। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे केपीके से, और केपीके के अंदर जो जो तालीमी जिन जिन अजला के अंदर तालीमी इदारे या जिन बड़े शहरों के अंदर तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है उनके अंदर पिशावर, मरदान, चारसदा, स्वाबी, मलाकंड, सवात, नौशहरा, लोअर दीर और बुनियर के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर जितने भी तालीमी इदारे हैं गवर्नमेंट के या चाहे वो प्राइवेट हैं वो तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। 11 अप्रैल तक उनकी छुट्टियाँ बढ़ा दी गई हैं और अगर इन इलाकों के अंदर तालीमी इदारे पहले से बंद नहीं थे तो आज से इनको यहाँ पर बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। उसके साथ साथ मुराद साहब राज साहब जो कि वजीर तालीम पंजाब हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया और आज की मीटिंग के हवाले से ब्रीफिंग दी है और जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोधा और शेखुपुरा के जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 11 अप्रैल 2021 तक क्लोज रहेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं जितने भी बाकी अजला हैं वहाँ पर जो तालीमी इदारे हैं वो अपने जो शेड्यूल उनका था उसके मुताबिक वो खुलेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो 7 अप्रैल को दोबारा से सुबह बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस होगी जिसके अंदर NCOC की ज़ेर सदारत तमाम तर हालात को जांचा जाएगा, उसके बाद मज़ीद जो स्कूलों को खोला जाए या उनको मज़ीद बंद रखा जाए इसके बारे में तमाम फैसले किए जाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी इम्तहान हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के उनके इम्तहान हर सूरत में होंगे और उनको बग़ैर इम्तहान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अगली क्लासेज में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस करना है और अपनी जो तालीमी सरगर्मियां हैं उनको जारी रखना है क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हर हाल में होंगे। इस बार गवर्नमेंट का या जो वफाकी वज़रा हैं उनका कोई भी मूड नहीं है कि आपको बग़ैर इम्तहान के आगे प्रमोट किया जाए क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल भी इम्तहान नहीं दिया था तो इसलिए उनके पास कोई बेस नहीं है कि उनको आगे प्रमोट किया जाए। तो इसलिए इस बार तमाम जो बोर्ड्स हैं वो अपने अपने वक्त के ऊपर और अपने अपने जो उनका टाइम होगा जो शेड्यूल होगा उसके मुताबिक वो इम्तहान लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।